श्रीनाथ जी गुरु जी को लखादेश, माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। तंत्र मार्ग में कौन से व्यक्ति आते हैं? तंत्र मार्ग में वो व्यक्ति आते हैं जो हर दर से सफलता के लिए भटक चुके हों, ठीक है। वो प्रेम में सफलता हो, वो धन में सफलता हो, वो आध्यात्म में सफलता हो। आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो बहुत एड़ी रगड़ते हैं लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती, और उन्हीं के आसपास ऐसे लोग होंगे जो बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन उनको सफलता प्राप्त हो जाती है। सालों साल मेहनत करके भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये जो यंत्र है ये आपके लिए, ठीक है। आपको क्या क्या सामग्री चाहिए? आपको चाहिए एक मोती शंख। मोती शंख जो होता है वो आम शंख जैसा नहीं दिखता है, वो एक चपटा सा शंख होता है जो ऊपर से बहुत चमकता है। मोती शंख दो प्रकार के होते हैं, एक वो होता है जो कि बजाने के लिए होता है, उसका मुख खुला होता है, एक छोटे आकार का होता है जिसका मुख बंद होता है, हमें वही शंख चाहिए, ठीक है। एक भोजपत्र चाहिए यंत्र बनाने के लिए, कुमकुम चाहिए यंत्र पर रेखाएं खींचने के लिए, जल पात्र चाहिए जिससे जल लेकर के हम कुमकुम पर यंत्र खींचेंगे, और घी का एक दीपक चाहिए, ठीक है। इसमें जो माला है वो एक रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, और अच्छा रुद्राक्ष की माला जो ऐसे हम प्रयोग करते हैं किसी भी साधना में वो सीधा प्रयोग करते हैं, जिसके पास जो साधना मंत्र है वो मंत्र से वो जाप करने लगता है, लेकिन सफलता प्रयोग मंत्र के लिए थोड़ा सा जो रुद्राक्ष की माला है उसमें प्राण देना होता है। तो एक मंत्र है जिसको मंत्र सिद्ध चैतन्य बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है, हमारे नाथ संप्रदाय में इसको मंत्र सिद्ध चैतन्य बोलते हैं। ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रति रोम चैतन्य जाग्रय ह्रीम ओम नमः। इस मंत्र का एक माला हम करेंगे, ठीक है। मंत्र फिर सुन लीजिए, ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रति रोम चैतन्य जाग्रय ह्रीम ओम नमः। ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रति रोम चैतन्य जाग्रय ह्रीम ओम नमः, ठीक है। ये जाप जो हम करते हैं ना, ये गुरु पूजन और गणपति के ध्यान के बात करते हैं। मतलब गुरु पूजन कैसे करना है वो पहले बताया है आप लोगों को, जो बायां कान है उसके तरफ जो है दोनों हथेली से प्रणाम करते हुए, उसके बाद ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः, ओम परापर गुरुभ्यो नमः, ओम परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः, और जो दाहिना कान है उसके तरफ हाथ रख करके ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ठीक है, या ओम वक्रतुंडाय हुम फट अघोर साधक, ठीक है। और इतना करने के बाद जो अभी आप लोगों को मंत्र बताया मंत्र सिद्ध चैतन्य, इसका एक माला जाप कर लेना है। इससे क्या होता है, माला माला के साथ साथ आप आपने देखा कि उस मंत्र में क्या है, मम मैं मेरा प्राण मेरा देह मेरा रोम प्रति रोम सब चैतन्य और जागृत हो जाए, मतलब जो मंत्र करना है उसके लिए सब जागृत हो जाए। समय जो है वो आप सुबह शाम किसी भी समय आप चुन सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन अगर संध्या में करना है तो दिन भर आप भोजन ना करें, ठीक है। भोजन करें मतलब फलाहार जैसा कुछ कर लें। दिन है एक ही दिन की ये साधना है तो सोमवार के दिन करते हैं। आसन जो है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सूत का आसन जो है, सूती का आसन का प्रयोग नहीं करते हैं, सूती के आसन से दरिद्रता आती है, लेकिन इस विशेष प्रयोग के लिए सफ़ेद सूती का आसन का प्रयोग होता है। मुख आपका किस तरफ रहेगा, उत्तर दिशा की तरफ रहेगा, और जप संख्या रहेगा 21,000। तो सारे नित्य कर्म को करके बैठ जाना है, क्योंकि जब तक एक बार आपने आप बैठ गए, आपने हाथ में जल लिया और संकल्प कर लिया, तो उसके बाद आपको उठना नहीं है, पूरा 21,000 जाप होगा तभी आप उठेंगे, ठीक है।
तो किसी भी एक सोमवार को कुछ विशेष नहीं देखना है, कोई पंचांग नहीं देखना है, और इस साधना को आप कर सकते हैं। सबसे पहले एक लकड़ी का पीढ़ा लीजिए, जिसको लकड़ी का पट्टा, लकड़ी का बरजोट बोलते हैं, उस पर एक भोजपत्र रखिए, और अभी जो स्क्रीन पर एक यंत्र आ रहा है, इस यंत्र को उस भोजपत्र पर बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो यंत्र बनेगा ये कुमकुम से बनेगा, ठीक है। ये इसी यंत्र को सिद्धिदायक यंत्र कहते हैं, ठीक। अगर थोड़ा सा और टेक्निकलिटीज़ में जाना है तो आप इसके नीचे जो है लाल कपड़ा बिछा सकते हैं, लाल कपड़ा बिछा के उसके ऊपर आपने इस भोजपत्र को रखा, और भोजपत्र को रख के उसके ऊपर जो है इस यंत्र को बनाया, ठीक है। यंत्र पहले से बना के आप नहीं रख सकते हैं, यंत्र को आपको उसी पीढ़े पे रख करके फिर बनाना है, ठीक है। और फिर इसके ऊपर जो है उस मोती शंख को स्थापित कर दें, मोती शंख को रख करके मोती शंख की आपको पूजा करनी है, जो पंच पूजा हम करते हैं। कैसे करते हैं? धूप दिखाया, दीप दिखाया, ठीक है, थोड़े फूल चढ़ाए, कुछ प्रसाद चढ़ाया, है ना, और फिर रुद्राक्ष के माला पर मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या रहेगा? 21,000 जो जाप करना है वो मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम सर्व सिद्धिम देही देही रोम श्रीम नमः। ओम श्रीम ह्रीम सर्व सिद्धिम देही देही रोम श्रीम नमः। ओम श्रीम ह्रीम सर्व सिद्धिम देही देही रोम श्रीम नमः। तो मकार हर बीज अक्षर में लग रहा है, किसी में भी हम श्रृंग या ह्रिंग का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। पहला ओम, फिर श्रीम, ठीक है, फिर ह्रीम, और अंत का जो बीज है वो है रोम, हौरोम, ठीक है, फिर श्रीम नमः, ठीक। इसका 21,000 जाप कर लेंगे। 21,000 जाप करने से क्या होगा कि ये यंत्र और जो मोती शंख है वो दोनों आपका सिद्ध हो जाएगा। अब जो ये मोती शंख है ये उस स्थान पर रखेंगे दूसरे दिन उठा करके, जहाँ से आपका कार्य चलता है। मान के चलिए आपने सुबह पूजा किया, तब तो आप तुरंत उठा सकते हैं। 21,000 जाप होने के तुरंत बाद विसर्जन कीजिए, कपूर आरती दिखाइए, है ना, और उठा लीजिए प्रसाद का, प्रसाद भोगिए और फिर इस मोती शंख उठा लिया। अगर रात्रि में आपने पूजा किया तो दूसरे दिन सुबह में हम जो है सूर्योदय के बाद ही इस यंत्र को उठाएंगे। और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, मान के चलिए कि आपका अपना ऑफिस है तो आपका जो टेबल है वहाँ रखेंगे, आप कहीं नौकरी करते हैं तो अपने टेबल पे इसको रखेंगे, ठीक है, अच्छे से रखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी हाथ से आकर के छू दे। अगर पूजा स्थान है वहाँ पे, छोटा सा आपका ऑफिस का पूजा स्थान है तो वहाँ पर रखेंगे। घर से काम करते हो तो घर में रखेंगे। अगर आपका गल्ला है जो काम नहीं कर रहा है तो उस गल्ले में क्या कहते हैं आप इसको रख देंगे, घर की तिजोरी में रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ से भी आपका जो इकोनॉमी चलता है उस जगह पे इस मोती शंख को रख लेंगे। अब है क्या कि जो नीचे यंत्र बनाया था वो भी साथ में सिद्ध होता है, तो सोने चांदी या तांबे की ताबीज में, ठीक है, उसका जो वर्ग होगा वो होगा 1 इंच चौड़ाई और 1.25 इंच का उसका लंबाई होगा। ऐसा एक ताबीज बनवाएंगे, तांबे में बनवा सकते हैं, चांदी में बनवा सकते हैं या सोने में बनवा सकते हैं। और उसके बाद इसको जो है अपने दाहिने हाथ में आप धारण कर सकते हैं या फिर गले में धारण कर सकते हैं, ठीक है। ये जो साधना है ये जीवन में आप एक ही बार कर सकते हैं, और एक ही बार जब आप इसको, इस साधना को पूर्ण कर लेंगे तो ये जीवन पर्यंत आपका काम आएगा। इसमें और एक मज़ेदार बात है कि आप ये इस साधना को किसी और भी व्यक्ति के लिए सिद्ध करके दे सकते हैं, ठीक है। ये गोरक्ष तंत्र का एक भाग है। आपको आश्चर्य होगा जानकर के ये साबर मंत्रों में माना जाता है, ना कि शास्त्रीय मंत्रों में या संस्कृत मंत्र में। संस्कृत में भी साबर मंत्र होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अगली बार जब इस श्रृंखला का वीडियो आएगा, क्योंकि अभी जोगनी की श्रृंखला चल रही है, तो इस श्रृंखला में जब मैं आप लोगों को वीडियो बताऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि श्वेतार्क गणपति आप लोग सबने सुना होगा, तो श्वेतार्क गणपति का क्या प्रयोग होता है और श्वेतार्क गणपति रखने से आपका जो आकर्षण है पूरे समाज में कैसे बढ़ेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। भगवान भैरव आप सभी को असीम सिद्धियाँ और धंधे ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है।
आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजं व्यालय यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं।